सामईन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और एक बार और बता दूं कि ये आजमगढ़ है, ये पढ़े लिखे लोग यहाँ पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में आपकी पहचान है, आपकी पढ़े लिखे होने पर ये दुनिया जानती है कि आजमगढ़ के लोग कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं। मुझे कोई और बात नहीं करना, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अच्छे शेर का इस्तकबाल आप लोग खूब अच्छी तरह से करना जानते हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुलाहजा करें, हुजूर जब इस जहां में आए, हुजूर जब इस जहां में आए तो रहमतों के गुलाब निकले। मैं हल्की शायरी ना पसंद करता हूँ, ना कहता हूँ ना लिखता हूँ, जहाँ तक होता है कि अहले इल्म हजरात का मजमा जब देखता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि बहुत अच्छे कलाम का इंतखाब करना पड़ जाता है मुझे। हाजिर कर रहा हूँ। जब इस जहां में आए तो रहमतों के गुलाब निकले, जिसका ईमान है कि हुजूर के आने पर रहमतों के गुलाब निकले वही सुभान अल्लाह कहे, जिसका ईमान यह है कि हुजूर के आने पर रहमतों के गुलाब निकले वही सुभान अल्लाह कहे। हुजूर जब इस जहां में आए तो रहमतों के गुलाब निकले, बहुत अच्छा सुन रहे। खुदा की कसम अच्छे मसले का इस्तकबाल किया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कहीं पढ़े लिखे कलाम का इस्तकबाल हो, वरना आजकल तो ये है कि जितनी आसान शायरी यानी जितनी बाजारू शायरी पेश कर दी जाए उतना ही लोग खुश होते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने अच्छे मसले का इस्तकबाल किया। अहमद भाई मुलाहजा करें, और जितने भी हमारे उलमा बैठे हुए हैं ये हमारे सर का ताज है। हाजिर करता हूँ, मुलाहजा करें। हुजूर जब इस जहां में आए तो रहमतों के गुलाब निकले, हुजूर जब इस जहां में आए तो रहमतों गुलाब निकले, वहां अंधेरों को मौत आई, जहां रिसालत महाब निकले। यकीन मानिएगा, मेरे सरकार की अजमत पर कुर्बान जाए। गोहना में एक शेर, आजमगढ़ की सरजमीन पे एक शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा करें। मुझे यकीन है कि हर शख्स सुभान अल्लाह नारा लगाएगा। हाजिर कर रहा हूँ। कि फजाओं को खुशगवार करे हवाओं को मुश्क बारे करे फजाओं को खुशगवार करने हवाओं को मुश्क बारे करने
रजा को खुशगवार करने हवाओं को मुश्कबार करने हुजूर बाहर निकल रहे चल रहे है क्या मजाल आफताब निकले हुजूर के बाहर निकल रहे बहुत बड़ा शेर पड़ा भाई जैनुलाब्दीन कानपुरी ने नारे रिसालत जश्ने ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत दयारे सरकार हाफिज़े मिल्लत नारे तकबीर अरे वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद फजाओं को खुशगवार करने हवाओं को मुश्कबार करने हुजूर बाहर निकल रहे और हजरात बड़े दावे से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ इस मिंबर से हाजिर कर रहा हूँ मुलाहिजा करें नबी मेरी तरफ तवज्जो नबी के दुश्मन जो कलमा को है इस मिसरे पे ये समझ लीजिए कि मैंने हर जगह दाद ले ली है ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 जगह कलाम पढ़ा है और मैं पहली बार जो है आपके इस इलाके में पढ़ रहा हूँ तवज्जो का तालिब हूँ इंशाल्लाह शेर बहुत अच्छा लगेगा सुने नबी के दुश्मन जो जो कलमा गो है नबी के दुश्मन जो कलमा गो है ये हश्र के रोज याद रखे के नबी के दुश्मन जो कलमा गो है ये हश्र के याद रखे वो खुल्द के मुस्तहिक न होंगे वो खुल्द के मुस्तहिक न होंगे अकीदे जिनके खराब निकले वो खुल्द के मुस्तहिक न होंगे इसीलिए तो मैं जो मियारी कलाम होते हैं खास करके मैं आजमगढ़ के इलाके में पढ़ता हूँ इस इलाके में तो हर दो घर के जो कलमा गो है ये हश्र के रोज याद रखे नबी के दुश्मन जो कलमा गो है ये हश्र के रोज याद रखे वो खुल देखे मुस्तहिक न हो
करता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यकीन मानिए तबीयत खुश हो रही है मेरी। सुने सुने अब एक अच्छा अब सुने, वाकई आजम लड़का हर एतबार से जो अपना मियार है कभी इन्होंने गिराया नहीं, वो चाहे शायरी के एतबार से हो, वो चाहे क्या नाम है खिताब के एतबार से हो, और वो चाहे समाज के एतबार से हो, हर हाल में इनका मियार ऊंचा था, ऊंचा ही रहा। हाजिर कर रहा हूँ मुलायजा कर। अब एक शेर मैं उलमा के हवाले से सामईन के हवाले करना चाहता हूँ, शायद मैंने कोई बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की, हाजिर कर रहा हूँ मुलायजा करें, देखिएगा सुने। बगैर तलवार कट रहा था हर एक यज़ीदी खुद अपने घर में। मैंने मिसरा पढ़ दिया आजम गढ़ में। बगैर तलवार कट रहा था हर एक यज़ीदी खुद अपने घर में। बगैर तलवार कट रहा था हर एक यज़ीदी खुद अपने घर में। ज़बाने ज़बाने ज़ैनब से तीर जैसे जो बूतुराबी खिताब निकले। ज़बाने ज़ैनब से तीर जैसे खिताब निकले। ज़बाने ज़ैनब। और हजरात एक बहुत बड़ा शेर नात के हवाले से, शायद कोई मजमे से एक आदमी उस शेर को सुनने के बाद एक आदमी मैं चाहता हूँ खड़ा हो किनारा लगा देगा। शेर इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकता, ये मिंबर रसूल है, आप खुद जान जाएंगे। कोई एक शख्स खड़ा हो जो नारा लगा लेता पहले खड़ा हो जाए, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा एक शख्स नबी का आशिक खड़ा हो जाए। शेर बहुत बड़ा पढ़ने जा रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ, है कोई नारा लगाने वाला? क्या बात है, नारा लगाएंगे आप सारे लोग जवाब देंगे। खड़े हो के शेर सुन लीजिए, हाजिर कर रहा हूँ मुलायजा का सुने। आजकल मालूम है जरा सा मिंबर पे कोई क्या आ गया या उसको कोई ऊंची गद्दी क्या मिल गई, मैं अपने डिपार्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसको बहुत गुरूर हो जाता है कि मेरे अंदर बहुत इल्म है। सुने शेर, हाजिर कर रहा हूँ उनको होशियार किया, सुने सुने। गुरूर जिनको गुरूर जिनको भी इल्म पर है ये बात भी वो नजर में रखे। गुरूर जिनको भी इल्म पर है ये बात भी वो नजर में रखे। ये दुनिया गूंगी है उसके आगे जो बन के उम्मुल किताब निकले। ये दुनिया गोगे है उसके जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये दुनिया गोगे है उसके आगे जो बन के उम्र किताब निकले। ये दुनिया गोगी है उसके आगे जो बन के उम्र किताब निकले।
बस एक तबसुम का वार अब तक, बस एक तबसुम का वार अब तक, ये सारे बच्चों से कह रहा है बस एक जवाबों में तेरे नन्हे हंसे गए, कहां से कोई जवाब निकले, जवाबों में वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 अरे भाई वाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह जिंदाबाद।